और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के आउट ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनमें से कितनों के बच्चे हैं जो कि बाहर फॉरन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि फॉरन इतने जो उनसे उनके ऑफिसर्स हैं जिनके बाहर जजीरे हैं या बाहर जजीरे हैं। जनरल कियानी का यार 3 अरब डॉलर का वो क्या कहते हैं जजीरा है, तो हमारे पास हम 3 अरब डॉलर की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें 3 अरब डॉलर की ट्रेंच दे दो, हमारा कोई वहां पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है और वहां पे देखे सिर्फ 8 लोग हैं, और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं और हमने उनके लिए क्या किया दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 सिर्फ 8 लोग उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारी पाक स्टडीज जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है इससे बाहर निकलें और एक्सप्लोर करें, हमारे यहाँ यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज ही कहाँ दी जाती हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग हम जीते थे। यार देखिए मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो एक दो भाई हैं जो कि 75 साल पहले जो थे वो अलहदा हो गए थे, तो जब एक तरक्की भाई करता है ना दूसरा नहीं करता, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया तुसी कितने रह गए, तो वो हमारे पंजाबी में मिसाल दी जाती है। तो भाई जब हम देखते हैं हम बच्चे हैं तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि भाई हमारा साथ वाला जो भाई था वो तो तरक्की कर गया है और बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है, उसके डिप्लोमेसी किधर है और आपकी डिप्लोमेसी किधर है, और जब हमसे सवाल पूछते हैं और हम सवाल पूछते हैं तो हमारे ऊपर गद्दारे वतन का टैग लगता है, हमारे ऊपर राह के जड का टैग लगता है। भाई हमने ये सवाल पूछते रहना है, पूछते रहना जब तक पूछते रहना है, ज्यादा से ज्यादा ये को मार दोगे, आओ यार मार दो। चले जी एक एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो मुझे बताएं कि आपने क्या किया है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी के दौर में आप उनसे आगे निकले, कौन सा फिर दुश्मनी करनी मुकाबला करना था ना, फिर आपने मुकाबला कहाँ किया है, आपने ये मुकाबला किया है कि सऊदी अरब 2 अरब डॉलर दे दे, कतर 3 अरब डॉलर दे देते हैं। कतर ने आज के टाइम में जब की जंग चल रही है आज के टाइम में इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए, क्या समझते हैं ये सारे केस को आप? सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं, कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना बेसिकली कतर की साइड से, जो कतर की साइड है वो ये कह रहे हैं कि जी इसराइल के साथ जो थे ये मिले हुए थे और ये एक जासूसी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इटली और कतर मिलके एक सबमरीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और वो उस जो एक कोलैबोरेशन से बन रहा है और इंडिया के साथ वो कह रहे थे कि इनके साथ को उस प्रोजेक्ट को लेके मसाइल चल रहे हैं और इस वजह से जो है वो जासूसी कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी चीजें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर की जो कतर एयरवेज है जो उनकी एयरलाइन है उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं, इंडिया के अंदर चल रही है खबर आई थी और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ
कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल का एक मुआहिदा और $1 trillion मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा, क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मईशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी एलएनजी जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है जो इंडियन फार्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज मैं क्लियर करता चलूं कि वहां पे जो अगर अदालतों का निजाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निजाम है वहां पे इस तरीके जी, मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, उनका जो है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे बादशाह का निजाम है और वहां पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला, आप देखिए कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से, और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस पर ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक हो गया, ठीक है। और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे और नुकसान ज्यादा कतर को होगा, जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज़ चाहिए और बाकी सारे मामले चाहिए वो किसी और मुल्क से ले लेंगे, लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर, ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है, और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। अच्छा दिलशाद भाई, ये तो इंडिया का और कतर का आपस का एक इशू है, मामला चल रहा है और जो ओपनली पूरे नजर आ रहा है कि भाई इंडिया इसे बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे ये डिस्कस करना मेरे ख्याल से उस तरीके से नहीं बनता कि भाई इंडिया ये जंग जीतेगा, यानी ये जो सी एक कानूनी जंग है ये इंडिया जीतेगा या कतर जीतेगा। हमारा यहाँ पे जो मेन एक कंसर्न है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देख लें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देख लें, हमारे यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अगर बात करें, कितने ही सालों से वो जेलों वो वहाँ पे मतलब जेल में हैं और हमारे यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं हर इलेक्शन में, ये कहा जाता है मतलब एक मोटिव रखा हुआ है कि भाई आप हमें वोट दें हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाएंगे, ना तो वो वापस आ रही हैं। सऊदीया की जेल में जो हमारे पाकिस्तानी जितने बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, कैदी हैं, कोई किसी जुर्म में हम तो उन्हें नहीं छुड़वा पाते। ये बेशरम लोग, इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के स्लोगन्स रखे हुए हैं कि हमने इलेक्शन में ये स्लोगन्स लेके जाना है और आवाम से वोट लेके उसको बुद्धू बनाना है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, मेरी पाकिस्तानी कौम को बातों का बुरा लगेगा, लेकिन यार ये जाहिल आवाम को मुझे ये सिर्फ पता करना चाहिए कि ये पिछले 70 साल से ये पॉलिटिशियंस भी, और इन बेचारों पॉलिटिशियंस को तो मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, ये तो बेचारे पपिट हैं, पीछे जो हैंडलर्स हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक इलेक्शन के तौर पे एक स्लोगन्स को लेके आते हैं और उनको आवाम में लेके आके आगे मजाक बनाते हैं। अब हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा लें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उसको कितना अरसा हो गया है, हमारी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस स्लोगन्स के बेस के ऊपर वोट लेके यहाँ पे पावर्स में आई हैं, ठीक है, और हमारे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, इवन कतर के अंदर जो पाकिस्तानी मजदूर जाता है वहाँ पे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, यार इनको जरा भी ख्याल नहीं है पाकिस्तानी को। हम इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक, मतलब ये है कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाले कंसेप्ट को मैं उस तरीके से नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि भाई जिसकी जिस कंट्री का जहाँ पे मुफाद होता है वो काम करता है, वो बात करता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, हम यूनिटी है पूरी दुनिया में, जो 57 या OIC कंट्रीज हैं सब यूनाइटेड हैं, तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज होकर कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे, इंडिया दूसरी साइड पे जोन्स है वो एक सेकुलर कंट्री है और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ रखूंगा, कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है, हमें ये बताया जा रहा है, हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है, और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं बेचारे मजदूर,
जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहां पे गए हूँ। पहले नंबर पे तो मुझे ये बात बताएं, आपको यहाँ पे रोजगार के मौके क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पे जॉबलेस पीपल लोग फिर रहे हैं, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुवत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। और वहाँ पे देखें सिर्फ 8 लोग हैं, और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया यार, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 थे, सिर्फ 8 लोग। उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारे इधर 8,000 के 10,000 लोग जो है पाकिस्तानी, ना सिर्फ सऊदी या कतर, दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में पड़े हैं, हमें उसका कोई नहीं है। हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, मजहबी बुनियादों पर नारे लगा सकते हैं, तफरकाबाजी के ऊपर नारे लगा सकते हैं, इलेक्शन में बाउंडे स्लोगन लेके आ सकते हैं और उनकी बेस पे आवाम को पागल बना के वोट ले सकते हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए यार, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में ये रोना रोता हूँ, और भाई अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग कर लो। जब तक आपके पास डेमोक्रेसी नहीं होगी, आपको कोई औकात नहीं है, आपकी आपकी कोई अहमियत नहीं है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम जो उनकी वैल्यू है, वर्थ है, उसकी बात की जाए, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम, तो जो फॉरेन मिनिस्टर है नाम भी नहीं मुझे याद क्योंकि चेंज होते रहते हैं, इससे पहले अपना बिलावल भुट्टो साहब थे, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो वर्थ है, क्या डिफरेंस क्या देखते हैं आप? मुझे ये साहब बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हर 3 से 4 साल बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होने के साथ हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी चेंज हो जाता है। मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिशियन जिसकी एफए तालीम है, वो कैसे अपने मुल्क का मुकदमा सही तरीके से दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ सकता है? और यार बेशरम आदमी, यहाँ पे सियासी तौर पर यहाँ पे भर्तियां ना करें। आप जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी तालीम कम से कम एमफिल होनी चाहिए। और उसके इधर मैं ये कहूंगा, जो बिलावल भुट्टो है वो तो पढ़ के भी फॉरेन कंट्री से आए हैं, बड़ा नॉलेज उन्हें यार, आपको उनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं ना पता कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज क्या होती है। ठीक है, वो बंदा हमें चाहिए जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया हो, एक जो यंग लड़का है, जो एक्सपीरियंस हो उसके पास रिलेटेड फील्ड का। अब मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी हमारा पहले रहा फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले कितने फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनकी आप तालीम का हिसाब लगा ले और उनकी ग्राउंड रियलिटीज का हिसाब लगा ले कि वो कितना लोगों को जानते थे। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, उनका जो भी एक प्रॉपर सिस्टम है उसके थ्रू आया है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनका, फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका, और एक्सपीरियंस बंदा आया है। भाई देखो, आपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं हर पार्टीज के, लेकिन जब आप एक मुल्क का मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो तब आपको एक कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए होता है यार। आपको ये नहीं सोचना था कि मैं पीपल पार्टी से हूँ, मैं नून लीग से हूँ, या मैं इमरान खान की पार्टी से हूँ, आपको ये सोचना था मैं पाकिस्तानी हूँ और एज ए पाकिस्तानी पूरी दुनिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यार, दुनिया में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। यार हम एज ए पाकिस्तानी देखे ना, हम यूथ जो है वो बैचलर्स की और एमफिल की डिग्रियां लेके सड़कों पर घूम रहे हैं यार, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं यार, आप ये हिसाब लगा ले कि पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर इतना जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस पेज के ऊपर प्रिंट होता है पासपोर्ट, वो हमारे पास पेजेस खत्म हो चुके हुए हैं, और हम जो दोबारा पेजेस मंगवा रहे हैं वो 28 दिनों के अंदर दोबारा खत्म हो जाएंगे। मतलब आप ये हिसाब लगा ले कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस सिस्टम से कितनी मायूस हो चुकी है और वो बाहर जाना चाह रही है। और लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, अगर हमारा कोई वहां पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है, और इसकी एक मिसाल मिलती है इमरान खान ने जाके जो सऊदी क्राउन प्रिंस था, उसे उसने रिक्वेस्ट की थी कि यार हमारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनको आप छोड़ दें। इस तरह के यार बंदे लेके आए यार, देखें जो लीडर होता है ना वो ये फैसले करता है कि यार मैंने कौन सी पोजीशन पे कौन सा कॉम्पिटेंट बंदा लाना है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी अगर पहले नंबर पे ऐसा लीडर इतनी जल्दी आता पहले नंबर पे तो प्राइम मिनिस्टर पहले नंबर पे तो सर आपका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पहले नंबर तो आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उस बेचारे को नहीं पता होता कि प्राइम मिनिस्टर मैंने इलेक्टेड होना। मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को पेशगोई कर देता हूँ कि 2022 के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स होने हैं वो कई कमरों के अंदर वो इलेक्शन के रिजल्ट पड़े हुए हैं इस टाइम 23 के जो 2024 के इलेक्शन जो ठीक है उसके रिजल्ट्स मैं अपनी कौम को बता रहा हूँ कि वो किसी कमरे में पड़े हुए हैं। जस्ट आपको नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे कि ये लो और आप कहोगे जी इलेक्शन हो गए, और भाई यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते। अच्छा, इधर एक चीज ये है, नहीं इलेक्शन होते हैं लेकिन वो फेयर होते हैं या नहीं होते, ये इलेक्शन तो होते हैं यार। इलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर ये मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ, परवेज इलाही 2008 का इलेक्शन हुआ, अमेरिकन एम्बेसिडर आया, उसने घर आके परवेज इलाही को बता दिया कि तुम्हें 54 सीट्स मिलनी है, और इलेक्शन के बाद आप देख लीजिएगा कि उनको 54 सीट्स मिली काफ लीग को इलेक्शन से पहले आके।
मुझे ये बताएं कि पहले आप खुद को इस तरह ठीक कर लें कि आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स मानने को तैयार नहीं है। मैं एज ए यूथ, जितनी भी हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स मानने को तैयार नहीं है। पढ़ी लिखी ना भी हो, इधर हर किसी पाकिस्तानी से पूछ ले, दूसरा बंदा यही कहेगा कि भाई इलेक्शंस का फायदा क्या, पूछें वोट किसको देंगे, वो कहेंगे वोट देने का फायदा क्या, आना तो उसी ने है जिसे अदारे या जिसे जो उनसे पावरफुल लोग हैं वो लाना चाहेंगे। अच्छा दिलशाद भाई, एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब पाकिस्तान से कोई नौजवान, खासतौर पे एजुकेटेड नौजवान कोई बात करता है, इंडिया वाले बड़े अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, कभी आप अपनी जो हम वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं नीचे कमेंट जाके देखिएगा, क्या समझते हैं अगर एक मेरे जैसा आम इंसान, आपके जैसा आम इंसान पॉजिटिव बात करता है, नॉलेज की बात करता है, वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। यही अगर हमारे मिनिस्टर्स, यही हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बात करें, आपको नहीं लगता कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में रिलेशन बेहतर हो जाएंगे? यार जब तक आप यंग जनरेशन को आगे नहीं लेके, अब देखें ना यहाँ पे तो वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज ही नौजवानों को नहीं दी जाती है, उसको। अब मुझे बताएं, हमने सारी जिंदगी, आप भी चैनल्स देखते हैं पाकिस्तानी चैनल्स, मैं भी देखता हूँ, अब देखने छोड़ दिए, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है, और यार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसने डिस्कस करनी है? यूथ को किसने बताना है कि इस टाइम दुनिया के अंदर हालात क्या चल रहे हैं? अब रिसेंटली, अब हमारा पाकिस्तानी मीडिया बेशरम मीडिया है, ये इसने खबर चलाई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ऑयल रिफाइनरी की डील हुई थी वो कैंसिल हो गई है। और आपको पता है, मैं पाकिस्तानी कौम को बता दूं, ऑयल रिफाइनरी की उस डील से 3 लाख से 4.5 लाख बैरल ऑयल रिफाइन होना था, और जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और मीडिया पे नहीं चलाया, ये हमारे मीडिया पे चलाया ही नहीं जाएगा। इनको इसी चीज से फुर्सत नहीं है कि फलाना जेल में चला गया, फलाना जेल से बाहर आ गया, इसने स्पीच दे दी, और यार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करो जिससे मुल्क से आगे बढ़ना है। आपने बोला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करो, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान में खासतौर पे सोशल मीडिया की बात करें, ऐसा सच कोई चैनल नहीं है जो अनबायस रह के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करे। अगर कोई थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाला कोई स्टूडेंट, अगर मैं ही लेट्स सपोज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस करता हूँ, डेफिनेटली इंडिया को डिस्कस करेंगे, अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे, ईरान को, चाइना को, सबसे पहले जो हमारे नेबर हैं। तो ये कह दिया जाता है यार आप, मुझे बड़े लोगों ने ये बोला है कि यार आप कैसी खबर कवर करते हो, आप कैसी वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, पाकिस्तान के मसलों पर बात करो, आप इंडिया क्यों बार बार बीच में ले आते हो, आप अफगानिस्तान क्यों ले आते हो। यानी वो एक कंसेप्ट ही नहीं बनाया गया कि यार ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें, उससे सीखें। यार देखिए, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो एक दो भाई हैं, जो कि 75 साल पहले जो थे वो अलहदा हो गए थे, तो जब एक तरक्की भाई करता है ना दूसरा नहीं करता, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया, तुसी कितने रह गए, तो वो हमारे पंजाबी में मिसाल दी जाती है। तो भाई जब हम देखते हैं, हम बच्चे हैं, तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि भाई हमारा साथ वाला जो भाई था वो तो तरक्की कर गया है, और बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है, उसकी डिप्लोमेसी किधर है और आपकी डिप्लोमेसी किधर है? और जब हम उसे सवाल पूछते हैं, और हम सवाल पूछते हैं तो हमारे ऊपर गद्दारे वतन का टैग लगता है, हमारे ऊपर राह के जंड का टैग लगता है। भाई हमने ये सवाल पूछते रहना है, पूछते रहना, जब तक पूछते रहना है, ज्यादा से ज्यादा ये को मार दोगे, आओ यार मार दो, और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। भाई देखो, जब मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ यार, बैचलर्स किए हुए लोग यार बेचारे फारिग फेर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और यार यहाँ पे हमारा जो CSS का इम्तिहान होता है, अब तो सुनने में आया उसमें भी आप 10 लाख या 15 लाख रुपया दो तो आपका CSS का इम्तिहान क्लियर हो जाता है। ये दिलशाद भाई के बारे में मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो टॉप लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, CSS उन्हें कहा जाता है, उसकी ये ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं बल्कि उनके एग्जाम्स के लिए इन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। दिलशाद भाई आपको बेस्ट ऑफ लक है एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी पोस्ट पे चले भी जाएं तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है ओवरऑल, अगर हम अदालतों के निज़ाम की बात करें या फिर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो कोई भी पोस्ट पे जाके अपना ईमानदारी से काम कर सकता है, अपने पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है? सर अदालतों का निज़ाम तो आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ का केस चला, ऐसे ही है, सजाए मौत हुई, ऐसे ही है, किसी माई के लाल में जुर्रत थी जो उसको सजाए मौत दिलवा सके? ठीक है, किसी माई के लाल की जुर्रत है कि वो इदारे के किसी आदमी को, किसी हैंडलर को, किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को जाके सजा पहुंचा सके? और हमारा जस्टिस फाजी काइज ईसा जो बड़ा बनता है कि जनाब मैं चीफ जस्टिस हूँ, ठीक है, इस बात के ऊपर मेरे ऊपर तोहिनी अदालत ना लग जाए, क्योंकि आजकल वो तोहिनी अदालत ही लगा रहे हैं लोगों को। वो जिन अदारों की आप बात कर रहे हैं उनके बारे में इल्जाम लगाना या उनके बारे में डिस्कस करना? मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को तो शायद पता, उनको ना पता, मैं अपनी इंडियन आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे फौज के खिलाफ बोलने पे 2 साल कैद है, आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, वो एक मुकद्दस गाय है। इन्होंने हमारे सब जो झूठ बोलेगा, जो किसी भी आप साबित करें, अगर मैं कोई फैक्ट से हट के बात पेश कर रहा हूँ, आप मेरे साथ डिबेट करें,
लॉजिक लेके आए कि यार आप ये बात कर रहे हैं। अगर झूठा साबित हो तो चाहे मैं हूँ या कोई भी है, मैं ये समझता हूँ सजा उसकी बनती है, लेकिन अगर सिर्फ सवाल पूछ लिया जाए, वो भी फैक्ट की बेस पे सवाल पूछ लिया जाए, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इतनी बात बताएं, पाकिस्तान इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनमें से कितनों के बच्चे हैं जो कि बाहर फॉरन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कितने जो उनके ऑफिसर्स हैं जिनके बाहर जजीरे हैं या बाहर जजीरे हैं। जनरल कियानी का यार $3 अरब का वो क्या कहते हैं जजीरा है, तो हमारे पास हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो, और वो एक बंदा $3 अरब के जजीरे में रह रहा है। और यार पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क करना बंद कर दो। और मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो यूथ है उसको मैं कहता हूँ कि यार अभी पढ़ लिख जाओ और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ यार, ज्यादा से ज्यादा ये कितने लोग मार लेंगे। इनके खिलाफ नहीं, जो गलत कर रहा है उसके जो भी, मेरी बात सुने पॉलिटिशियंस से गेस्टर ये जाता है कि पता नहीं पर वो किया जा रहा ना, है किया जा रहा है, जहाँ पे गलत हो उधर आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान का कानून मुझे ये हक देता है कि मैं उसके जहाँ पे गलत हो रहा उसके ऊपर आवाज। डेमोक्रेसी हमें ये हक देती है कि हम अपने पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें, हम अपनी जुडिशरी से क्वेश्चन करें, हम अपने इदारों से क्वेश्चन करें। और भाई इदारे मेरे टैक्स और आपके टैक्स के ऊपर चल रहे हैं, अगर हम टैक्स देना बंद कर दें इनकी तनख्वाहें कहां से आएंगी? ये जो वर्दियां इन्होंने पहनी हुई है हमारे टैक्स के पैसों से पहनी हुई है। अच्छा दिलशाद भाई एक चीज, पाकिस्तान की यूथ में देखें बहुत गिने चुने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अक्सर ये तासुर ये कंसेप्ट एक ऐसा बना दिया गया है कि अगर आप इंडिया की तारीफ करोगे, तारीफ क्या हाल ही डिस्कशन ही करोगे, इवन आप स्पोर्ट्स की बात कर लो, स्पोर्ट्स में भी अगर आप अप्रिशिएट करोगे, क्रिकेट में अप्रिशिएट करोगे, तो ये मतलब एक माइंडसेट ऐसा बन गया कि यार ये इंडिया की बात कर रहा है, ये इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है, ये इंडिया से कोई मतलब इस तरीके से, क्या ये माइंडसेट चेंज हो सकता है? या ये जो 75-76 साल में हमारे माइंड में बिठा दिया गया मीडिया के थ्रू, हमारे सिलेबस के थ्रू, पंजाब अपना यूनिवर्सिटीज के थ्रू, क्या आपको लगता है कि ये कंसेप्ट चेंज हो सकता है? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वजह से चेंज हो सकता है जो आपका सिलेबस जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस इस तरह, मैंने जो सिलेबस पढ़ रखा है अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज पढ़ता रहा तो शायद जो मैं आज बातें कर रहा था इससे 180 के एंगल पे बातें कर रहा होता। मैंने पाकिस्तान स्टडीज नहीं पढ़ा, मैंने आयन टेलबर्ट की अंग्रेजों की किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि हमारे साथ पिछले 75 सालों में इन्होंने मजाक कौन सा किया है, ठीक है, इन 75 सालों में इन्होंने पागल बना के रखा कि इंडिया आपका दुश्मन मुल्क है। चले जी एक एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लिया इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो मुझे बताएं कि आपने क्या किया है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी के दौर में आप उनसे आगे निकल, कौन सा फिर दुश्मनी करनी, मुकाबला करना था तो ना, फिर आपने मुकाबला कहाँ किया है? आपने ये मुकाबला किया है कि सऊदी अरब $2 अरब दे दे, कतर $3 अरब दे दे, फलाना हमें इतने पैसे दे दे, यानी वो वहां पे डील्स कर रहे हैं बिलियन डॉलर, आप कश्कोल उठा के कभी इसके पास मांगने जा रहे हैं, कभी उसके पास मांगने जा रहे हैं। और बेशर्मो अपनी हालत बेहतर करो, डेमोक्रेसी लेके आओ। और मैं अपनी कौम को बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा ही सरद रवैया इख्तियार रखा, यानी खामोशी रखी और ये सोचा नहीं 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 पाकिस्तान के ये पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं बोलना, इससे तो पाकिस्तान की इंसल्ट हो जाएगी, भाई मैं भी नहीं चाहता पाकिस्तान की इंसल्ट हो, पाकिस्तान की इंसल्ट का मतलब है मेरी इंसल्ट है, पाकिस्तान की इंसल्ट का मतलब है दिलशाद भाई की इंसल्ट है, लेकिन जहाँ पे कोई अपना मर्ज हो, जहाँ पे कोई इशू हो, उस इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे तो वो इशू बढ़ता जाएगा, पूरी दुनिया में हम मजाक बन जाएंगे और मजाक बन रहे हैं, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, मतलब ये सोच के भाई नहीं बात नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं करनी, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट जरूर बात करनी है। वो अगले दिन मैं एक मीम भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि हमने बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों से आजादी ली थी पाकिस्तान वालों ने, हाँ। और अभी हम 50 लाख दे के फिर उनके मुल्क में जा रहे हैं, यार वो भी वीजा नहीं दे रहे, वो भी वीजा हमें कोई नहीं दे रहे, यार वो दौर आ जाना जब आपको वीजा नहीं मिलना, वो दौर आ जाना कि जब आप एक बंद गली में पहुंच जाएंगे, उससे पहले पहले यार आप क्वेश्चन करें। मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रगल कहता हूँ कि आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, मैं ये नहीं कहता आप खुदा ना खास्ता हथियार उठा के रियासत के खिलाफ रिट कायम करने शुरू कर दें, नहीं, नहीं, नहीं। आप राह हमवार करें, आप क्वेश्चंस करें, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, आप यूथ को एजुकेट करें, उनको बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है, और बराए मेहरबानी इस पाक स्टडीज जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है इससे बाहर निकलें और एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज ही कहाँ दी जाती हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग हम जीते थे, 1971 की जंग हम हार गए थे, हालांकि हकीकत इससे बरक्स है। हमारे दो बड़े मोहसिन, एक मोहतरम फातिमा अली जिना मोहतरमा और दूसरी हमारे कायदे आजम अली जिना, दो मोहसिन पाकिस्तान थे, उन दोनों के साथ हमारे इदारों ने क्या किया इस बात का पूरी दुनिया को पता है। और इसके अलावा जो हम पूरी दुनिया में दिनदनाते फिरते हैं, ये कहते हैं कि हम एक अटॉमिक पावर हैं, पूरी दुनिया में वाहद इस्लामिक कंट्री ऐसा है पाकिस्तान जिसके पास अटॉमिक पावर है, क्या जिसने वो अटॉमिक पावर बनाया उसके साथ हमने क्या किया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो बेचारा सड़कों पर उलता रहा है यार,
और उससे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि आपको कुछ जिंदगी से रिग्रेट है। उसने कहा था कि इस कौम के लिए मैंने इतना काम किया, मुझे इस बात पर रिग्रेट है, मैंने स्टार्टिंग में अपनी कौम को जाहिल कहा, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो कि इस सिस्टम को मानने वाले हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दुश्मन मुल्क है। नहीं, हमें इस कॉन्सेप्ट को बदलना है, क्योंकि एक साइड पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे और दूसरी साइड पे जो इंडिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर जिन्होंने काम किया, जहां पे उन्होंने स्पेस के हवाले से काम किया, उन्हें वहां पे प्रेसिडेंट बनाया गया वहां पे, बिल्कुल, और वो भी मुसलमान थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को कितनी इज्जत दी गई वहां पे, और हमारे यहाँ यह देखे जो हमारे मोहसिन है, हमारे यहाँ 2-3 पोलिटिकल लीडर्स आए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो एक पोलिटिकल लीडर था, उसके साथ हमने क्या किया है, उसको हमने फांसी लगा दी है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसको हमने असैसिनेट कर दिया, इमरान खान उसको हमने अंदर कर दिया, उनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट हो चुकी है, हमने नवाज शरीफ को कितनी दफा जिला वतन किया। जो गलत है या सही है वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन हमारे हर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक होना तो समझ लें कि मस्ट है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है शायद उसे खुद पता होता है कि यार प्राइम मिनिस्टर तो बन गया हूँ, लेकिन अब अटैक भी मेरे ऊपर होगा, मेरी जान भी महफूज नहीं होगी। ये इशूज यहाँ पे चलते हैं। खैर, अच्छा लगा दिलशाद भाई से बात करके, और मैं यहाँ पे फिर ओपनली ये बात करना चाहता हूँ कि भाई जब तक हम एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे कि पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है उसके ऊपर बात की जाए, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसे पाकिस्तान में लाया जाए, डिस्कस किया जाए, दुनिया कितनी तेजी से अपने रिलेशन बेहतर कर रही है, फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर कर रही है, डिप्लोमेटिक वे में चल रही है, हमें नहीं पता। हमें आज भी सिर्फ यही पता है ये मेरा दुश्मन कंट्री है, ये मेरा दोस्त कंट्री है, वो इस्लामिक कंट्री है, वो नॉन इस्लामिक कंट्री है। हमें इस सोच से आगे बढ़ के काम करने की जरूरत है। दिलशाद भाई, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के ऊपर? यार, मैं लास्ट में अपनी यूथ को यही कहना चाहूंगा कि यार आप एक तो ये जो हमारा मीडिया और ये हमारी पाक स्टडीज है ये आपके लिए जहरे कातिल हैं, इसके पास बिल्कुल ना जाएं। आप देखें, लेकिन ये है कि इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया को आप स्टडी करें, जो अंग्रेज हैं जैसे आयन टेलबर्ट है और एक दो बंदे और हैं, मेरा अब नाम नहीं उसके दिन में, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, उनको पढ़ें, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनको पढ़ें, ताकि आपको असल हकीकत का पता चले ग्राउंड पे खड़े हैं और दुनिया कहां पे जा रही है। अब देखें, इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर रहा है, यार हमें भी अच्छे रिलेशंस। और यार मेरी अगर तलख, उधर एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया जाता है पब्लिक में जब हम ये बात करते हैं ना कि इंडिया के पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर है, बहुत कॉमन सा ये अपना आगे से आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि यार वो आबादी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा लोग हैं, मार्केट बहुत बढ़िया, इसलिए दुनिया। और भाई हम भी 6ठे नंबर पे आबादी हैं, तो उस हिसाब से थोड़े बहुत कंट्रीज के साथ हमारे भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए कि नहीं? यार ये तो इनका फजूल और बोगस इंतहाई जो है ये दलील दे रहे हैं कि आबादी की वजह से वो मामला कर रहे हैं। यार दूसरे कितने ऐसे मुल्क है जिनकी आबादी हमारे जितनी है, हमारे से कम है और हमारे से ज्यादा बेहतर, और हमारे से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेहतरी, हम यंग जनरेशन को यही कहूंगा कि आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें, पॉलिटिकल स्ट्रगल से मुराद ये है कि राह हमवार करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास है जितना भी है आपके पास, ठीक है, उसको आप यूज करें, ठीक है, और लोगों के सामने सही पिक्चर पेश करें। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना आप आगे जा सकते हैं आप जाएं, और दूसरा कोशिश करें कि यार आपके जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं उनको आप सपोर्ट करें,